ऑपरेटर के लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशंस के बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस और उसके कुछ और आगे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑपरेटर इज वी विल डिफाइन हियर इज लीनियर ऑपरेटर। अब ये लीनियर ऑपरेटर किसको कहते हैं? सो लेट देयर इज ए कैप जो लीनियर ऑपरेटर है। सो एन ऑपरेटर ए कैप इज लीनियर If it obey some properties, so obeys the following two conditions. Number one condition is a cap fx plus gx is equal to a cap fx plus a cap gx, and the second property is a cap alpha into gx, where alpha is a constant, is equal to alpha times a cap fx. ये दोनों प्रॉपर्टी को जो ऑबे करेगा, जो ऑपरेटर, उस ऑपरेटर को हम लोग कहेंगे लीनियर ऑपरेटर। के वेयर वी कैन राइट इट एज वेयर a cap सॉरी fx एंड gx आर टू फंक्शंस and alpha is a constant. Alpha a constant है यहाँ पे. Let this is equation number one. ठीक है. So this दोनों condition को हम लोग combine भी कर सकते हैं. So above two conditions can be combined to a single condition. एक सिंगल कंडीशन में इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं दोनों कंडीशन को. सो वी कैन राइट ए कैप अल्फा टाइम्स एफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स जी एक्स. यहाँ पे हम लोग बीटा एक और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हम लोगों ने ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ए कैप एफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स ए कैप जी एक्स. लेट अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर टू, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. अल्फा और बीटा जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है. कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं. जैसे अगर हम लोग मान लें कि ऑपरेटर्स, लेट दिस ऑपरेटर इज दिस ऑपरेटर, ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है ये पार्शियल डेरिवेटिव है डो बाय डो एक्स का. सो वी कैन राइट इट एज इक्वेशन टू को, जहाँ पे कैप है वहाँ पे डो बाय डो एक्स हो गया जी एक्स, अल्फा टाइम्स डो बाय डो एक्स एफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स डो बाय डो एक्स इंटू जी एक्स.
इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इसके टर्म फॉर्म में. सो दिस इज द डिफिनेशन एंड द एग्जांपल ऑफ लीनियर ऑपरेटर. नाउ अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाएं नॉन लीनियर ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर, नॉन लीनियर ऑपरेटर किसको कहते हैं. सो जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको नॉन लीनियर ऑपरेटर कहेंगे. तो एग्जांपल में द स्क्वायर रूट ऑपरेटर, द स्क्वायर रूट ऑपरेटर इज ए नॉन लीनियर ऑपरेटर. तो एग्जांपल में देख लें स्क्वायर रूट ऑपरेटर कैसे नॉन लीनियर ऑपरेटर है. तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं अल्फा टाइम्स एफ एक्स, या स्क्वायर रूट जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं दिस इज एन ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है. ये स्क्वायर रूट जो है ले रहे हैं ये ऑपरेट कर रहा है, प्लस बीटा टाइम्स जी. तो एज वी नो दैट कि ये अगर ऑपरेटर रूल्स को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा रूट एफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स जी एक्स. बट वी नो दैट सिंपल अलजेब्रा से कि ये स्क्वायर रूट इस सिंगल प्लस स्क्वायर रूट के बराबर नहीं होता है. सो दिस इज नॉट इक्वल टू दैट, देयरफॉर इट इज ए नॉन लीनियर ऑपरेटर. ये लीनियर ऑपरेटर के प्रॉपर्टीज को ऑबे नहीं कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर टू, आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो जैसा नाम सजेस्ट कर आइडेंटिटी, दैट मीन्स आई और वन. सो द आइडेंटिटी ऑपरेटर दैट इज आई कैप सिग्निफाइज द मल्टीप्लीकेशन of a wave function by one. One से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा. And the function unchanged. फंक्शन जो है चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम वही रह जाएगा. तो इसको हम लोग लिखेंगे आई कैप साई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स, मतलब फंक्शन हमारा अनचेंज हो गया. ऑपरेटर ऑपरेट करके भी इसमें कोई फेलियर नहीं हुआ. नेक्स्ट इज नंबर थ्री, नल ऑपरेटर. So null operator, that means zero operator. So we denote it as zero cap or null operator. Zero cap or O cap signifies the multiplication of a wave function by zero and hence annihilates the function. Annihilate मतलब destroy कर देगा या फिर उसको zero कर देगा. Annihilates the function. So zero cap psi x is equal to zero. यहाँ पे zero cap जो है वो null operator. Next is inverse operator, number four. Inverse operator.
सो व्हाट इज इनवर्स ऑपरेटर, तो आप इनवर्स ऑपरेटर हम लोग जानते हैं, जैसे इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग पढ़े हैं वैसे इनवर्स ऑपरेटर भी होता है. सो इफ फॉर सम ऑपरेटर ए कैप देयर एग्जिस्ट अनदर ऑपरेटर B cap such that A cap B cap is equal to B cap A cap is equal to Y. इस रूल्स को जो फॉलो करेगा उसमें से हम लोग कहेंगे कि A cap B cap का या B cap A cap का इनवर्स ऑपरेटर है. देन B cap इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ ए कैप एंड इज रिटन एज बी कैप इज इक्वल टू ए कैप इनवर्स. ऑल्सो द इनवर्स A cap inverse of an operator A cap is obtained or is defined by the relation A cap inverse into A cap is equal to A cap इनवर्स, क्योंकि इसके जगह पे अगर हम बी के जगह पे इनवर्स पुट कर दें तो ये कंडीशन आएगा. तो इस कंडीशन को याद रखना है. वन, ये वन भी है आई भी है, ठीक है. इसको हम लोग यहाँ पे अगर आई कैप ले लें बिकॉज वी नो दैट आई कैप इज जनरली वन, सो आई कैप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है. वेयर आई कैप इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर. सो ये हमारे कुछ बेसिक्स चार ऑपरेटर्स रहे, लीनियर ऑपरेटर्स टाइप्स में, लीनियर ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, नल ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर. अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस पे. आइगन values and eigen functions. eigen value और eigen functions जो कहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे define करने जा रहे हैं. eigen value और eigen functions जाने से पहले what is the use of eigen value? So to analyze क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम वी नीड आइगन वैल्यू. सो लेट फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज द आइगन value of a function. So if definition if an operator a cap acts on a well-defined wave function, let this wave function is psi of x and the result
is the same function psi x multiplied by some constant multiplied by a constant. Let this constant is lambda. Then psi x is eigenfunction of operator, is a eigenfunction of the operator. And the constant lambda, this lambda is the eigenvalue of the eigenfunction psi, of the eigenfunction psi x. So there is a corresponding eigen equation, we call it this eigen equation. So the corresponding eigen equation or eigenvalue equation, eigenvalue equation is a cap psi x, psi x के साथ a cap इसके साथ operate किया, so एक हमारा constant आया. ये वे function unchanged हुआ, लेकिन इसका value के आगे में एक constant value आ गया. That lambda is called eigenvalue and psi, in this case psi x we call eigenfunction. तो इसको हम लोग मान लेते हैं equation number one. So this is the eigenvalue equation. ठीक है. तो इसको हम लोग short form में कैसे लिख सकते हैं? कि a cap हमारा क्या है, ऑपरेटर है. सो ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन आइगन फंक्शन, यहाँ आइगन फंक्शन इज साई एक्स, ये और भी कोई फंक्शन हो सकता है आइगन फंक्शन, विच इज इक्वल टू आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू यहाँ पे लैम्डा है, तो दिस इज आइगन वैल्यू इनटू आइगन फंक्शन. ठीक है, अब कुछ हम लोग एग्जांपल्स ले लें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के बारे में. आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के कैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं? सो लेट टेक सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आइगन फंक्शंस. सो एग्जांपल्स, सो लेट a cap is an operator which is driven by d by dx. Okay, or there is a psi which is a well defined wave function which is given by e to the power minus 5x. We have to find out the eigenvalue of this function. Is function ka humko eigenvalue find karna hai. So hum log kya karenge is equation ko, from equation 1 आइगन वैल्यू इक्वेशन को पुट करेंगे. सो ए कैप साई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप का वैल्यू है डी बाई डी एक्स, साई एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर माइनस फाइव एक्स. सो हम लोग ई टू द पावर फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर फाइव एक्स इंटू फाइव जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है. ठीक है, so we can write it as minus 5 or e to the power 5x is psi x, तो ये हो गया हमारा psi x. ठीक है, अब इसे को हम लोग कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन 1, कंपेयरिंग एवर इक्वेशन विथ इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो लैम्डा का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 5, देयरफॉर is equal to minus 5. So it is the eigenvalue of psi x. This is the eigenvalue of psi x which is given by here. ठीक है,
इस तरह से और बाकी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं। एक और सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लें। सेकंड एग्जांपल में हम लोग अगर लें कि ए कैप जो है दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड हेयर द वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू है हमारा साइन टू एक्स, ठीक है, तो हमको फाइंड करना है। सो हमारा हो जाएगा ए कैप साई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये टू इंटू कॉस टू एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा तो बराबर आ नहीं रहा है, किसके बराबर नहीं आ रहा है, कॉन्स्टेंट इंटू साई एक्स विच इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू साई एक्स। देयरफॉर इन दिस केस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ गिवन ऑपरेटर विच इज टी बाई डी एक्स। तो यहां पर हम लोग इसका हम आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ए कैप को चेंज कर दें, इफ ए कैप इज इक्वल टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, और साई एक्स मेरा साइन टू एक्स ही रहे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ए कैप साई एक्स इज इक्वल टू डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, ओके। सो डी बाय डी एक्स साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने अभी फाइंड किया टू टाइम्स कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन हमारा हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स, और टू का फिर टू एक्स टू टू फोर, सो दिस इज माइनस फोर साइन टू एक्स। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस फोर टाइम्स साई ऑफ एक्स, ये हो गया ए कैप साई एक्स। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन से जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक या फिर आइगन वैल्यू इक्वेशन है लैम्डा टाइम्स साई ऑफ एक्स, तो देयरफॉर यहां से हमारा लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस फोर, दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ गिवन आइगन फंक्शन। इन दिस केस साइन टू एक्स इज द आइगन फंक्शन ऑफ द गिवन ऑपरेटर ए कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आइगन वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में जिसके हम लोग कर सकते हैं। सो एक और प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट बी दैट मेक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड आइगन फंक्शन एंड आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर इज गिवन बाय डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू भी यहां पे हमको फाइंड करने हैं। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमारा जो स्टैंडर्ड है हम लोग को ए कैप इंटू साई एक्स फाइंड करना है। ए कैप का वैल्यू दिया हुआ है हमारा ऑपरेटर दैट इज डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर,
और साई का वैल्यू दिया हुआ है हमारा e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, तो लोग मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर e टू द पावर, यहाँ तो ऑपरेटर नहीं है, सिंपली यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, सो दो बार डिफरेंशिएट ये करेंगे तो फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स को बाहर कर लेते हैं, फर्स्ट बार जब डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ए कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का टू इंटू एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे u इंटू वी के मेथड से इसके यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी सॉरी डी बाई डी एक्स तो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा u इंटू वी के मेथड से इसको डिफरेंशिएट करना है। सो पहली बार में हम लोग अगर ले लें तो ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, सो ये हमारा है पहली बार में x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम में माइनस टू ए एक्स कॉन्स्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन फिर आ जाएगा माइनस टू ए एक्स, ओके, माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारा सब में ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो माइनस टू ए टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग राइट साइड में कॉमन ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म में फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए इंटू e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टू टर्म में हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस टू ए टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज साई एक्स, सो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे फोर ए स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली साई, क्योंकि ये हमारा साई का वैल्यू है, साई ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या था ऑपरेटर, हमारा ऑपरेट किया हुआ था ए कैप साई एक्स के साथ, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। सो नाउ फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये हमारा एक आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारा क्या होता है, अगर हम आइगन वैल्यू इक्वेशन देखें, आइगन वैल्यू इक्वेशन ए कैप इंटू साई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स साई एक्स होता है, वे लैम्डा इज ए कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, सो देयरफॉर फोर ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, एंड कांस्टेंट जब होगा तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा दैट मीन्स इसका कोफिशेंट एक्स का जो है वो जीरो होगा, तो दैट मीन्स ये जो हमारा कोफिशेंट है
4a square minus b should be equal to 0. So that means we have 4a square is equal to b. So b is equal to ho gaya hamara 4a square. तो b is equal to 4 square हमारा वैल्यू निकल गया. अब इसके वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे क्योंकि हमको लैम्डा का वैल्यू भी फाइंड करना है. therefore a cap psi x, ये टर्म तो मेरा 0 हो गया क्योंकि this is independent of x. so minus 2a into psi x. so हमारा जो आइगन वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, ये this is the आइगन वैल्यू ऑफ साई एक्स. तो इस तरह से हम लोग आइगन वैल्यू हम लोग किसी भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं इसके प्रॉब्लम्स में. तो ये हमारा आज का क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स के कुछ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज, पोजिशन ऑपरेटर्स, टाइम ऑपरेटर्स, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर्स और एनर्जी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और उसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे. सो ये यहाँ तक इतना ही था. आज हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं जनरली और आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस के क्या एग्जांपल्स हैं और एक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया.